हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में कि बजट मार्केट के फेवर में नहीं आया है, फिर भी लेकिन वो स्टॉक में एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। मतलब कि दोस्तों, आने वाले दिनों में वो बहुत अच्छा जो है आपको कमाई करके दे सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी हो जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बजट का मूवमेंट समझा देता हूँ दोस्तों। बजट जो है ज़्यादा से ज़्यादा निर्मला सीतारमण जी ने जो है किसानों के लिए, जो गरीब है, मतलब कि एग्रीकल्चर पे है फोकस किया गया है। अगर एक तरीके से हम देखें तो अगर एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। जब तक किसान जो है खेती कर रहे हैं, तब तक ही जो है हमें भी अच्छा खाना मिल रहा, अच्छे अच्छे जो है क्वालिटी के राइस मिल रहे हैं, चाहे जो भी देखो हम खाना खा रहे हैं। तो हमें अपने जड़ को नहीं भूलना चाहिए, चाहे पेड़ कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन जड़ उससे डबल पावरफुल रहना चाहिए, तब जाके जो है दोस्तों आपका पेड़ बहुत अच्छा, मतलब कि दोस्तों जो ब्रांच है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तो हमें क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंस किया है एग्रीकल्चर के लिए, तो उसमें भी कुछ ऐसी कंपनी है जो वहाँ पर लिस्टेड है, तो उस कंपनी में आपको अच्छा से अच्छा जो है बेनिफिट हो सकता है। और वो कौन सा शेयर है जो आपको बिल्कुल आधे दाम पे मिल रहा, मतलब कि दोस्तों 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा, वो कौन सा शेयर है मैं आपको बता देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो अभी करंट लेवल चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो चार्ट को, मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। देख सकते हो 554 रुपीज़ चला, ठीक है, 554 रुपीज़ जो है अभी इसका करंट वैल्यू चल रहा है। और दोस्तों आने वाले दिनों में यही कंपनी जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देगी, और इसी कंपनी का जो है दोस्तों प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर आपने नहीं खरीदा तो मैं तो बोलूँगा कि दोस्तों ऐसे कंपनी को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी कंपनी को हम खरीदते हैं तो प्राइस देख के नहीं, वजह देख के खरीदना चाहिए। प्राइस तो हर एक मिनट में फ्लक्चुएट होते रहता है जब मार्केट ओपन रहता है तो, लेकिन दोस्तों वजह मतलब एक गोल जो रहता है ना, हमारा जो टारगेट रहता है वो एक ही रहता है, वो गोल तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये होता है लाइफ, इसको बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये स्टॉक में जो है दमादम पैसा लगाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इंटरनेट में फ़िल्टर किया है, यहाँ पर देखिए मैंने सर्च किया है कि टॉप मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सी कंपनी जो है ट्रक का मैन्युफैक्चर करती है, ट्रैक्टर का, ठीक है, ट्रैक्टर बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टॉप 15 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, तो सबसे पहले किसका नाम आया है, महिंद्रा का दोस्तों। सबसे पहले जो नाम आया है यहाँ पर देख सकते हो महिंद्रा का। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर थोड़ा भी इसके फेवर में कुछ होता है तो आने वाले दिनों में दोस्तों ज़रूर जो है इसका प्राइस और इंक्रीज़ होगा। अभी 545 पे है, आप देख लो, बस कम से कम 6 मंथ रुक जाओ, आपको अच्छा जो है इसमें ग्रोथ देखा जाएगा इस कंपनी में। और यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको बताया गया है कि महिंद्रा ट्रैक्टर इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रैक्टर, यहाँ पर देख लीजिए, मतलब कि बहुत बड़ा जो है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने का ये कंपनी है इन इंडिया, कहाँ पर है, इन इंडिया, एंड ऑल्सो हाइएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर। अब देखिए दोस्तों, मतलब इसका सेल्स जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि इसका सेल्स कैसा है, सेल्स बहुत अच्छा है। अगर कहीं पर भी आप रोड पर जाते हो, कहीं पर अगर आपको देखना है दोस्तों जो विलेज एरिया है वहां पर आप जाके देखो, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो महिंद्रा ट्रैक्टर है वो ज्यादा फेमस रहता है, वो हम देखते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ भी है, यहां पर देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ महिंद्रा के हिसाब से ही लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर ब्रांड वाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि बजट अभी ऐसे ही कंपनी मतलब को इसी तरह कंपनी को जो है वो फोकस करेगा, जो इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं दोस्तों एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और एक चीज़ देखो, अगर हमें आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर हमें ख़त्म नहीं करना, उसको क्या करना, इंक्रीज़ करना। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं दोस्तों जो हार्म करते हैं लोगों को, एक होता है पॉल्यूशन, एक होता है एक डामर फैक्ट्री होती है जो पीच वीच बनाता है, वो उससे भी बहुत जो है लोगों को नुकसान होता है, जो बच्चे आते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो उस कंपनी को क्या होता है, वैसे कंपनी जो है प्रॉफिटेबल तो है लेकिन दोस्तों वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों, वो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन वो हमारा नेसेसरी नीड है, हमें वो चाहिए तो चाहिए, उसके बिना नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे कंपनी में अगर आप फोकस करते हो तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा जो है मुनाफा करके दे सकता है।
और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में होगा वो ये कि अगर एक कंपनी बस एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। दोस्तों, जितना ऑटो सेक्टर में करता है उससे ज़्यादा ही वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लो बहुत सारे जो है टाइप टाइप के ट्रैक्टर्स होते हैं दोस्तों, और वो जो है बहुत सारे काम कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हम जो देखते हैं कभी कभी अपने घर के आसपास वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे ट्रैक्टर जो सामान उठाने और ले जाने में भी सामान्य होता है, ठीक है, से भी बनाया गया है ये ट्रैक्टर। ये यहां पर अगर ध्यान से देखेगा जाए तो इसको जेसीबी की जगह उसी का तरह जो है स्ट्रक्चर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देख लो ये बड़े बड़े काम कर जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये खेत में सबको जो है इक्वल करते हैं, जितनी भी मिट्टी रहती है उसको जो है इक्वल करती है। यहाँ पर देख लो डबल टायर वाले हैं, तो ये जितना भी है दोस्तों, आप एक नॉर्मल ट्रैक्टर सो उसको मत देखा करो, क्योंकि आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है दोस्तों, मॉडर्न जनरेशन, हर एक चीज़ चेंज हो रहा है। हर बहुत सारे जो देखो लोग पहले लेबर के विद द हेल्प ऑफ लेबर करते थे, जो लोग घर से ही रहते थे उनसे कर लिया जाता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ चुका है तो एग्रीकल्चर में भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर देख लो दोस्तों, बड़े बड़े ट्रक है, यहाँ पर देख लीजिए इतने, मतलब ये भी बहुत बड़ा ट्रैक्टर है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है एग्रीकल्चर में। यहाँ पर आप देख लो छोटे से बड़े बड़े जो हैं ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको फीड्स या जो भी डालना है तो इससे ही डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर पेड़ में कोई फल लगा हुआ है तो उसको भी आपको हाथ से नहीं लेना है, आप विद द हेल्प ऑफ मशीन से ले सकते हो। ये देखिए बड़े बड़े जो रोल आते हैं वो भी खेत में आते हैं, उनको भी ये जो देखिए बहुत ईजी तरीके से कैसे उठा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए उठाने के लिए भी सिस्टम दिया गया है। देखिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं बना रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अगर आप ऐसे कंपनी पर फोकस करते हो तो आने वाला जनरेशन में, मतलब आने वाले दिनों में, आपको अच्छा से अच्छा जो है वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और दूसरी बात ये होगा कि बजट चाहे जैसा भी आए दोस्तों, तो थोड़ा बहुत स्टॉक में गिरावट आएगा, लेकिन जब रिकवरी लेना स्टार्ट होगा ना, तो आपके हाथ में ऐसा स्टॉक नहीं आ पाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनक्रेज कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आके आप हमारे सारे वीडियोज़ को पेपर ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपको एक बहुत अच्छा जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि क्या ऐसा भी शेयर मार्केट में होता है। अभी देखो शेयर मार्केट जो है एक हफ्ते से गिर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं एक हफ्ते से एक ही वीडियो बना रहा हूँ, एक ही वीडियो को जो है मैं बार बार रिपीट करके बनाते जा रहा हूँ कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। और कल के डेट में भी देखो दोस्तों, बजट आया है तो मार्केट गिरा है, लेकिन वो स्टॉक में गिरावट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है, लेकिन हम अभी स्टिल, मतलब कि अभी भी हम प्रॉफिट में ही है। तो ऐसी चीज को पकड़ने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसे से पैसा नहीं बना सकते, पेशेंस से पैसा बना सकते हैं, नॉलेज से पैसा बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।